हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट इस वीडियो में हम समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी किस प्रकार से भरी जाती है। स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा की कापी है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि सेम इसी प्रकार की कापी हमारी क्लास टेंथ की भी बोर्ड की कॉपी आती है, तो क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के लिए सेम पिच की कापी आती है स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इंटरमीडिएट परीक्षा की बोर्ड की कॉपी है स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपना अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, विषय, दिनांक, किस प्रकार से सारा डिटेल्स इसमें भरा जाता है स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले यदि आपको कॉपी मिलती है तो आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर ऊपर जो यह दिखाई दे रहा है कि केंद्र व्यवस्थापक की मुहर है कि नहीं यहाँ पर लगा हुआ। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर यह जो खाली स्थान है इसमें केंद्र की मुहर लगी है कि नहीं, यह सारा डिटेल चेक करना है स्टूडेंट। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको अब नीचे अपना सारा डिटेल एकदम अच्छे तरीके से अपने एडमिट कार्ड से सारा जानकारी यहाँ पे मिला करके स्टूडेंट भरना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारा जो यह पहला वाला कॉलम है यानी कि यह वाला कॉलम, इस वाले हमें कॉलम में क्या भरना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी हमें अपना अनुक्रमांक भरना है अंकों में। सो स्टूडेंट आपको क्या करना है कि जो आपका एडमिट कार्ड रहता है स्टूडेंट, एडमिट कार्ड आपको एडमिट कार्ड से अपना मिला करके अनुक्रमांक स्टूडेंट भरना है, एकदम अच्छे तरीके से मिला करके यहाँ पर अनुक्रमांक अपना अंकों में यहाँ पर स्टूडेंट भरना है। आप एक दो बार भरने के बाद इसमें आपको मिला भी लेना है कि यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं हुआ है, सही सही है कि नहीं, अपने एडमिट कार्ड से मिला के भरना है। उसके बाद स्टूडेंट जो यहाँ पे दूसरा वाला देख रहे हैं ऑप्शन आता है, यानी दूसरा वाला खाना है जो कॉलम है, इसमें क्या आपको भरना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कि आपका रोल नंबर कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि 27,02,326, चाहे स्टूडेंट आपका रोल नंबर जितना है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अंकों में भर देंगे स्टूडेंट। जैसे यह आपका हो गया परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो आप क्या करेंगे, आप शब्दों में किस प्रकार से भरेंगे, तो आप शब्दों में लिखेंगे 27 लाख, इस प्रकार से शब्दों में आप लिखेंगे स्टूडेंट कि 27,02,326, इस प्रकार से आप शब्दों में इसको भरेंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट जो यह तीसरा वाला कॉलम है, इस तीसरे वाले कॉलम में हमें स्टूडेंट क्या भरना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विषय एवं प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया तथा संकेतांक, यानी कि हमें विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक भरना है। जो यह पहला वाला कॉलम दिखाई दे रहा होगा आपको इस प्रकार से, इस पहले वाले कॉलम में हमें क्या भरना है, विषय भरना है स्टूडेंट। आप जिस भी सब्जेक्ट का अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे विषय को मेंशन कर देंगे। यदि आप गणित का दे रहे हैं तो गणित लिख देंगे, हिंदी का दे रहे हैं तो हिंदी लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप इसमें अपना सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे, यानी जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे स्टूडेंट यह जो दूसरा वाला ऑप्शन आता है, दूसरे वाले ऑप्शन में क्या भरना है, प्रश्न पत्र, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपका मैथ का पेपर हो रहा है, तो पहले क्या होता था कि मैथ का दो एग्ज़ाम होता था, फर्स्ट एंड सेकंड करके इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, अब क्या हो गया है कि यानी पैटर्न हमारा एनसीईआरटी लागू हो गया है, तो एनसीईआरटी लागू होने के वजह से स्टूडेंट क्या हो गया है कि आपका सिर्फ मैथ एक ही है, यानी सिर्फ मैथ फर्स्ट ही है। तो इसमें आप जो प्रश्न पत्र है इसमें आप क्या भरेंगे स्टूडेंट, सिर्फ केवल भरेंगे, यानी कि केवल मतलब सिर्फ एक जो आपका हो रहा है सिर्फ वही रहेगा, इस प्रकार से आप केवल भर देंगे इस प्रश्न पत्र में। अब हम स्टूडेंट देखते हैं यह जो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक है, यानी यह वाला ऑप्शन देखते हैं, तो इस वाले बॉक्स में हमें स्टूडेंट क्या भरना है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। सो स्टूडेंट प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिला होगा उस क्वेश्चन पेपर पर कुछ कोड रहते हैं, वही कोड आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स में जो यह वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है इस वाले बॉक्स में उसी कोड को आपको फिलअप कर देना है स्टूडेंट, एकदम अच्छे तरीके से मिला के। अब हम देखते हैं स्टूडेंट यह जो चौथा, पांचवा, छठा है, इसमें हमें क्या क्या भरना है। तो यहाँ पे यह जो चौथा वाला है, यह वाला ऑप्शन, यह क्या है, परीक्षा का दिन, यानी कि आप जिस दिन में अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन का दिन यहाँ पे भर देंगे, कौन सा दिन है, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, इस प्रकार से आप मंडे संडे करके इस प्रकार से भर देंगे यहाँ पे चौथे वाले में। अब हम देखते हैं स्टूडेंट यह जो पांचवा वाला है, पांचवा वाले में आप क्या करेंगे, परीक्षा तिथि एवं पाली, यह वाला जो हमारा खाली वाला स्थान है इसमें क्या करना है आपको, डेट भर देना है और पाली, यानी डेट मतलब जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन का आपको क्या करना है, इसमें डेट भर देना है इस प्रकार से। उसके बाद एवं पाली, पाली क्या करेंगे, यदि आपका एग्ज़ाम 8 बजे से या 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे, प्रथम पाली, यानी कि आप पहले मीटिंग यदि जिसका एग्ज़ाम हो रहा है फर्स्ट शिफ्ट में लिखेंगे प्रथम पाली, यदि आपका सेकंड शिफ्ट में यानी कि 2 बजे से एग्ज़ाम हो रहा है तो या आप क्या लिखेंगे, सेकंड
पाली इस प्रकार से लिख देंगे, यानी द्वितीय पाली हिंदी में लिख देंगे, तो इस प्रकार से आप भरेंगे। और यह जो छोटा वाला ऑप्शन है स्टूडेंट, केंद्र का नाम, तो अब केंद्र का नाम क्या भरेंगे, आप जिस भी स्थान पर यानी जिस भी कॉलेज में अपना एग्जाम दे रहे होंगे, आपका सेंटर जिस भी कॉलेज में गया होगा, उस कॉलेज का नाम यहाँ पर मेंशन करना है। सो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि आपके एडमिट कार्ड पर आपके केंद्र का नाम यानी सेंटर का नाम दिया रहता है एडमिट कार्ड पर। एडमिट कार्ड पर जो भी आपका सेंटर का नाम दिया रहेगा, वही आपको क्या करना है, इसमें मिला करके केंद्र का नाम आपको भर देना है स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको कोई भी मिस्टेक कहीं भी नहीं करनी है स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं कि इस बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको नाम लिखने का कहीं भी ऑप्शन स्टूडेंट नहीं आता है, तो आपको नाम बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में कहीं पर भी स्टूडेंट नहीं लिखना है नाम। तो इस प्रकार से आपको यह बातों को विशेष ध्यान देना है स्टूडेंट। आप क्या करेंगे, जो आपका एडमिट कार्ड में अंकों में अनुक्रमांक दिया होगा उसको अंकों में भर देंगे, उसके बाद शब्दों में यहाँ पर फिलअप कर देंगे दूसरे वाले में, और जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसमें क्या करेंगे, आप विषय यानी सब्जेक्ट अपना मेंशन कर देंगे। जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा इसमें प्रश्न पत्र यानी प्रथम व द्वितीय, मैक्सिमम स्टूडेंट सब्जेक्ट के एक ही एग्जाम होते हैं, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे प्रथम प्रश्न पत्र, उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी कि क्वेश्चन पेपर पे जो कोड होगा उसको क्या करना है, इसमें फिलअप कर देना है। और उसके बाद यह जो चौथा वाला ऑप्शन है इसमें आपको क्या करना है, परीक्षा का दिन मेंशन कर देना है, और यह जो पांचवा वाला है इसमें डेट और पॉली मेंशन करना है। सो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, पहले मान लीजिए यहाँ पर डेट डाल दें, डेट डालने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इस प्रकार से अपने पेन से कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर डाल देंगे प्रथम या द्वितीय पाली जो भी आपका होगा वो पॉली डाल देंगे। उसके बाद स्टूडेंट यह छठा वाला जो ऑप्शन है केंद्र का नाम यहाँ पे भर देंगे। सो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी अच्छे तरीके से भरनी है स्टूडेंट, और कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं करना है। और स्टूडेंट जो यह वाला ऑप्शन है यह सारा डिटेल कक्ष निरीक्षक के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है उपर्युक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण किया कक्ष निरीक्षक भरे, यहाँ पे लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपको सारा अपना बोर्ड की एग्जाम की कॉपी भरनी है स्टूडेंट। यदि आपको किसी और भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचते रहें।